साथ वैली की ब्राइट वॉइस गुरु वॉइस जब बात होती है एकेडमिक की इंटेलेक्चुअल लेवल की उसकी ज्ञान साहिबा है क्योंकि मास्का मीडिया में भी पढ़ाती है के हिसाब से एज एन इंडियन प्रोफेसर। मैम आज का ये वुमेन्स प्रोग्राम है तो आपको क्या लग रहा है कश्मीर में वुमेन की सिनेरियो कैसा है विद रेफरेंस टू देयर एम्पावरमेंट? देखिए देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग एक वुमेन एम्पावरमेंट अगर आप कहते हैं, अगर आप मुझे देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, अगर आप मुझे कहते हैं कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ये इसमें आगे बहुत बढ़ रही है, अगर आप मुझे बोलेंगे कि एम्पावरमेंट एट द बेसिक लेवल ग्रास रूट लेवल जो मैं यूनिट से बोलूँगी घर से बोलूँगी उसमें अभी काफ़ी डिम मुझे नज़र आता है, वो इंडिकेटर्स हमारे बहुत अभी भी कमज़ोर लग रहे हैं। मुझे लग रहा है वो इस चीज़ की वजह से ये है कि शायद मुझे लगता है कि जो घर का जो माहौल है जो घर का यूनिट है उनमें जो टर्मिनोलॉजीज आई कम्युनिकेशन आई और जो गैप आई बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स उस वजह से मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ी काफ़ी कमी लग रही है। मोर गर्ल्स टेकिंग अप एजुकेशन आपको लगता है कि सिनेरियो इंप्रूव होगा? देखिए एजुकेशन इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर विच कैन इम्प्रूव योर सोसाइटी, देर आर मेनी अदर इंडिकेटर्स, आप उनको अपब्रिंगिंग कैसे देते हैं, एजुकेशन कैन बी यूज नेगेटिवली ऑल्सो, सो यू हैव टू पुट अ पॉजिटिव पॉइंट इन टू द एजुकेशन। मैंने अभी मैं दोबारा दोहराऊंगी कि औरत का कमाना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए, औरत का कमाना अर्न करना उसके लिए एक इमेंसिपेशन होना चाहिए, उसके लिए एक रिकग्निशन होनी चाहिए, उसके लिए एक एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। जिस घर में वो कमाती है वहाँ उसकी इज्जत होनी चाहिए, जहाँ पे वो काम करती है वहाँ उसकी इज्जत होनी चाहिए। अभी इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा ग्रो होने में। अभी लड़कियाँ देखिए जो रेट है सुसाइड करती है लड़कियाँ, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? आपको नहीं लगता पिछले जमाने से काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई? हाँ बहुत चीज़ें अच्छी भी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लड़कियाँ दे आर एक्सेलिंग इन एवरी फील्ड, मगर बॉयज पीछे क्यों रह रहे हैं? ये इम्बैलेंस भी तो नहीं होना चाहिए ना। आई मीन वाई देयर इज सच काइंड ऑफ वी आर फीलिंग सो इनसिक्योर कि हम कहते हैं बस सिर्फ एक लड़की आगे बढ़नी चाहिए और ये अपना रोजगार कमानी चाहिए, जबकि हम आप बच्चे लड़के पे इतना दे ये नहीं देते हैं कि इतना वो जोर देते हैं, कहते हैं अच्छा नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा कोई नहीं। सो ये भी अगर एक इम्बैलेंस हो जाएगी ये भी एक डेंजरस खतरा है। सो एजुकेशन मैंने वही कहा कि एजुकेशन है कि आप अपनी अपब्रिंगिंग कैसे करेंगे बच्चों की, वो यूनिट कैसे चलेगा, पेरेंट्स का रोल क्या होगा, और पेरेंट्स हैज़ बिकम अ बिगेस्ट चैलेंज इन द होल वर्ल्ड बिकॉज अब आप जो वर्किंग वुमेन है वी आर लुकिंग फॉर द सब्स्टिट्यूट्स टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन विच कैन बी लाइक, आपको पता है कि क्या हालात होते हैं जब आप सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं अपने बच्चे को रखने के लिए, कितनी चीज़ें होती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट्स होती हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज़ों से।